अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की रेसिपी में जो है ना वो चीज़ बनाना सिखाऊंगी, मोज़रेला चीज़ जो होती है ना वो। तो इसके लिए हमने जिसकी शक्ल जो है ना ऐसे की निकलेगी एंड पे, पहले ज़रा रेसिपी देखते हैं ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो 2 किलो दूध है, इसको अब जो है ना वो हल्की आंच आँच पर रखें, इतना दूध का टेम्परेचर हो कि आपकी उंगली जो है ना वो बर्दाश्त कर सके। उसके बाद इसमें जो है वो आधा कप सिरका ऐड किया है, फिर उसको, क्योंकि दूध को फाड़ना जो है इसलिए, फिर उसको आप हिला लें अच्छी तरह से। हो गया उसका, क्योंकि उसको फाड़ना है दूध को। तो अब आप देख लें इस तरह की शक्ल जो है ना ये इख्तियार कर चुका है, और अब आप देख लें कि इसका जो पानी सा है ना ये सारा साइड पे हो गया है, और वो अब इसको हम पानी जो है इसका निकाल लेंगे, और जिसका जो वो चीज़ सी जो है ये आप ऊपर देख रहे हैं ना, ये इसको हमने जो है ना वो इस तरह से अच्छी तरह से इसमें से पानी हमने निकाल लेना है, जो दूध हमने फाड़ा है ना ये वो है। तो अब हमने इसमें क्या करना है जी, इसको गर्म पानी लेना है हमने 3 ग्लास, और इसमें जो है वो 1.5 चम्मच नमक का डाल देना है, उसको फिर हिला देना है। उसके बाद ये जो हमने दूध फाड़ा है ना इसको इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, या इस तरह से करके तो उस पानी में हमने इसको डाल देना है ठीक है। ये देखें ये पानी में डाल दिया इसको मैंने। अब आपने क्या करना है जी, इसको इस तरह से कुछ हिलाना है, और ये देख लें अब आपने इसी तरह, ये इसके नीचे ना चूल्हा चल रहा है अभी, आप ये ना समझें कि पानी ठंडा है, ये पानी मतलब गर्म है, और अच्छा मतलब आपके हाथ ना अच्छे जलते हैं इससे। तो ये इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह इसके साथ खेलना है, आप जैसे प्लेडों के साथ नहीं खेलते उसके साथ वैसे खेलना है। तो अब इसको इस तरह से आपने की जाना है की, ये जो है अब आपने दोबारा से इसको उसी पानी में डालना है। अच्छा अगर आपका पानी ठंडा हो जाए ना तो उसको आपने दोबारा से नीम गर्म करना है, क्योंकि इतना खो के आपके ना हाथ बर्दाश्त कर लें। तो अब इसको दोबारा से हम जो है वो अच्छी तरह से स्ट्रेच करेंगे, ताकि मतलब उसकी डिमांड है भाई, हम क्या कह सकते हैं। अच्छा इसी तरह से आपने इसको खींचा तानी, इसी तरह करना है इसको, यहाँ से पकड़ लंबा कर, वहाँ से लंबा कर, ऐसे घुमाओ ऐसे घुमाओ, बस चक लेना है फाड़ के ठीक है। अब ये जो है ना आपको दिखा रही हूँ मैं इसकी फाइनल लुक। ओके ये देख लो अब जी, इस तरह का है ये, और ये हमारे 2 किलो जो दूध था ना ये उसकी इतनी सी बनी है चीज़, मोज़रेला चीज़ है ये। ओके हो गया, अब इसको आप फ्रीज़ कर लें, जब आप चाहें आप इसको निकाल के यूज़ कर लें फ्रीज़र से। अब मैं आपको यहाँ पर जो है ना वो करके भी दिखा रही हूँ कि मतलब ये उस तरह से ना जैसे हम बाज़ार से चीज़ लाते हैं वो उसको ऐसे खींचे किसी चीज़ को, तो उसकी है यू नो फिर मज़ेदार सा काम बनता है ना, वो इसका भी बनता है। ये देख ले मैंने ना ये फ्रीज़ की हुई थी, तो इसको उसको अच्छी तरह से ना वो कद्दूकश वाले के साथ मैंने इसको इस तरह का कचूमर निकाल दिया इसका। तो अब मैं आपको ब्रेड पे लगा के दिखा रही हूँ, मैंने नीचे केचप भी लगा दी थी कि एवं कहीं और ना कुछ हो जाए खाली फोकी जी खा के। तो अब इसको हम गर्म करेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बस ये ना मैं वैसे रिकॉर्ड कर रही थी कि मतलब आपको जब सारी रेसिपी बताई है तो फिर ये भी तो दिखाना चाहिए ना कि कैसे ब्रेड गरम की है। अब कोई होता है मेरे जैसा उसको नहीं आता पता हो कि कैसे करनी है, तो फिर क्या करें, मदद तो लेनी पड़ेगी ना कहीं से। चलो जी बस बहुत सेका लग गया बेचारी, चक लो इन बार और ये आप इंजॉय करें।